भाई आ गए अपन इडली खाने, मैं और मीडियम भाई। ये रही मेरी इडली, उनका इडली। भाड़ा बता देता हूँ पहले आपको दोनों। मैं गया था अनपरा, अनपरा सुबह बनारस, शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। ये बात महादेव, सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो दोस्तों मैं अभी अंबिकापुर में ही, आप पिछले वाली वीडियो यहीं पे एंड की थी, और यहाँ से हमें जाना है लोड करने उदारी, और यहाँ से जो है उदारी की दूरी होगी 20-22 किलोमीटर। तो आया था यहीं पे, खाना वाना खा के सो गया था। अब जो है सो के उठा हूँ, तो यहाँ से सोच रहा हूँ कि निकलूँ और चलूँ लोडिंग पे। वहाँ पहुँच के फिर देखते हैं, क्योंकि लोडिंग इतना जल्दी तो करने वाले हैं नहीं। मेरे को पता है लगभग 3-3.5-4 बजे लोडिंग करना चालू करेंगे। अगर माल पास पास में होगा तो बहुत जल्दी लोड हो जाएगा, दूर होगा तो 6-7 भी बज जाता है, 5 बजे भी लोड हो जाता है। मतलब लोडिंग के ऊपर है, जैसा लोकेशन रहे, पॉइंट रहे, जहाँ जैसा लोडिंग का माहौल रहे। ठीक है, तो यहाँ से निकलते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आप सभी से आगे। ये कर लिया हमने चाबी ऑन, यार ये सामने हो रखा है मस्त मौसम। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ये हो गई अपनी गाड़ी स्टार्ट। और अब जो है यहाँ से हम लोग धीरे धीरे निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे लोडिंग करना है। और आया था तो मैं दाल चावल खाया था, इसलिए भूख भी लग गया है। तो आगे देखते हैं, कुछ खाने मिलता है तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा क्योंकि शाम को फिर खाना मिल नहीं पाएगा। शाम को अब जब मैं पहुंचूंगा सुकरुत तभी खाना खाऊंगा, क्योंकि बीच में खाना खाता नहीं हूँ, बीच में मुझे खाना जमता नहीं है कहीं का। सुबह काम चलाने के लिए खा लेता हूँ, जबकि मुझे शाम को काम चलाने के लिए खाना चाहिए, तो मैं सुबह काम चलाने के लिए खाता हूँ कि दिन भर का काम चल जाए, शाम को अच्छा खाना मिल जाएगा सुकरुत में। ठीक है, पर क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। अब तो ग्रुप फाइनली जो है मैं पहुँच चुका हूँ उदारी, जहाँ मुझे लोड करना है वहाँ पे। और वहाँ का कुछ नज़ारा यूँ है, दिखाता हूँ आपको। तो ये है अभी उदारी, ये जगह जहाँ मुझे लोड करना है। ये फुलेरा वाली पानी टंकी है, जिन्होंने पंचायत वेब सीरीज देखी है वैसा लग रहा है वैसी वाली टंकी है। सामने पंचायत एग्जैक्ट एकदम वही लोकेशन है, वही वो है, मतलब वो फुलेरा वाली नहीं, लेकिन यहाँ का अगर देखा जाए ना तो ग्रामीण क्षेत्र है और एकदम वैसे ही लोकेशन है। पानी टंकी है, नीचे सामने ग्राम पंचायत है, और ये सड़क जो है वो वहाँ को जाती है। ठीक है, तो अभी अपनी गाड़ी जो है वो लोड होगी 4 बजे, तब तक अपने को ऐसे इधर उधर घूमना है, टहलना है, वीडियो बनाना है। तो भाई शाम के बजने वाले हैं 5, और अभी भी मैं जो है यहीं पे बैठा हुआ हूँ। जिसको लोड कराना है वो बोला है 5 बजे आऊँगा, अभी 5 बज गया, देखता हूँ कब तक आता है। यहीं बुला के लोग मेरे को खड़ा कराएँ, समझ ही नहीं आ रहा भैया कब लोड कराएगा। पर 5:10 अभी बाकी है, तो उसको 5 बजे फ़ोन करते हैं, क्या हुआ भाई, देखते हैं क्या बोलता है। ये अभी जो है कुछ ऐसा मौसम हो रखा है शाम के टाइम, माहौल मतलब। ठीक है, तो अभी देखते हैं आता है, फिर जाते हैं लोडिंग पे। तो भाई ये पहुंच गए अपन अपने लोडिंग पॉइंट पे, और शाम का व्यू देख सकते हैं बहुत प्यारा, सनराइज़, अरे मतलब सनसेट देख सकते हैं। और वो भाई साहब जो है वो खीरा पैकिंग कर रहे हैं, और यही खीरा अपनी गाड़ी में होगा लोड। अभी बज गए हैं 7 माफ़ करिएगा, तो 7 बजे भी जो है अभी इतना उजाला है यहाँ पे। और मौसम भाई यहाँ पे ना यूपी के अकॉर्डिंग बहुत ठंडा है। ये अपनी गाड़ी लगी हुई है, तो ये माल भरते हैं और अपन लोड करेंगे। और गाँव का माहौल है यहाँ, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ से लोड करते हैं, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। गुरु फाइनली जो है वो गाड़ी लोड करके मैं ये निकल रहा हूँ अब, और माल ज़्यादा हुआ नहीं, 111 पन्नी मिला है, मतलब एकदम सगुन वाला पन्नी है 111 पन्नी, और लेके मैं निकल गया हूँ। और अभी तो देहात में ही हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ। ये देखिए सिंगल रोड है, अब अंबिकापुर मेन रोड पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ से अभी बोले हैं वो कि अगर लोडिंग मतलब वहाँ माल मिल जाएगा तो फ़ोन करेंगे, नहीं बाहर बाहर निकल जाना तो फ़ोन करेंगे तो देखा जाएगा, नहीं तो मैं तो बाहर बाहर अभी चापा ही हूँ, निकल लूँगा। उनके ऊपर है 30 पन्नी कम है, मतलब 30 का बदले 6 क्विंटल माल कम है, 22 क्विंटल माल है टोटल मेरी गाड़ी में। 22 क्विंटल भी बहुत होते हैं, कम नहीं है, पर चलिए ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। अब
तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी ये जो है घाट पेंडारी होटल पे। बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि क्या है कि बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए खाना खाने के लिए आया हूँ। तो खाना अपना आ रहा है, ये खाना आ गया अपना, चावल दाल सब्जी और चोखा। रोटी नहीं खा रहे हैं, मैं चावल ही खाता हूँ। लोग बोलते हैं नींद आती है पर अपने को नहीं आती है, तो पहले खाते हैं, निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गुरु मैं पहुँच चुका हूँ अभी वाड्रफ नगर और ये अभी रात के मतलब रात के बज गए हैं 10:45, 10:45 हो रहा है तो 10:45 ही हो गया है लगभग। और यहाँ से जो है बॉर्डर की दूरी 20 या 30 किलोमीटर है, आई थिंक आधा घंटा पकड़ लीजिए यहाँ से, आधे घंटे में बॉर्डर, फिर बॉर्डर से हाथी नाला से फिर धीरे धीरे 3 बजे का टाइम मिला है, देखते हैं क्या बजे तक पहुँचते हैं। वैसे 3 बजे कोशिश रहेगी पहुँच जाएं, बट नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, आराम से ही चलना है। ठीक है तो यहाँ से निकलते हैं, फिर अब मिलते हैं आप सभी से आगे। तो भैया पहुँच गए हैं डाला और देख सकते हैं इतना धूल है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली लाइट की रोशनी दिखाई दे रही होगी, साइड में डिवाइडर दिखाई दे रहा है बस, और कुछ ना दिख रहा आगे। अभी से जाके देखिए दिखा है, अरे बाप रे क्या ही बीमारी है यार, इतना धूल है डाला में, ऐसी धूल में भैया पैसा है। अभी तो चलिए आप सभी से आगे मिलते हैं। रात को देखिए ज़्यादा मैं ले नहीं पाता हूँ मतलब क्लिप नहीं ले पाता हूँ रात में भाई। तो गुरु फाइनली जो है मैं पहुँच चुका हूँ अरोरा टोल पे और ये है अरोरा टोल। मेरा 1/5 का कॉइन गिर गया, अब मुझे जो है 500 का खुला कराना पड़ेगा 5 रुपये के चक्कर में, और वो 5 रुपये किधर गिरा मिलेगा है नहीं मुझे, तो कोई बात नहीं 300 है अच्छा हो जाएगा इसी में से। भाई हम टोल पे पहुँचे अरोरा और टोल वाले भाई हैं एक, वो हमें पहचान लिया आके बोलते हैं अरे यूट्यूब पे आप वीडियो बनाते हैं ना, हम कहे हाँ, तो वो जो है मुझे पहचान लिए शीशे में। ओह क्या क्लियर आ रहा है, बड़ा यार हमें भी लेने दो, मतलब हमें लेने ना दो यार हमें भी जाने दो। तो पहले टोल कटाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भैया ये मैं पहुंच चुका हूं पाणिया मंडी के गेट पे, ये सामने पाणिया मंडी का गेट है, हमारे सामने तमिलनाडु की ट्रक लगी हुई है, बगल वाले जो पिकअप है भैया को जिसमें को मैंने दिखाया आपको, वो क्या किए भाई साहब कि ट्रकिया में चिपकाए हुए थे, ट्रकिया पीछे आई और उनके गड़िए में लड़ गई पिछवा से। ठीक है उसको बोल रहा था भाई रुक जा लेकिन नहीं रुका। तो ये है पूरा गेट के अंदर मैं आ चुका हूँ और देख सकते हैं महिंद्रा की पूरी पिकअप ही पिकअप लग चुकी है, मेरी गाड़ी कांटे पे है, कांटा कराते हैं फिर चलते हैं वहाँ पे। तो मैं दुकान पे पहुँच चुका हूँ और ये देखिए लूट मचा रखा है इन्होंने खीरे के लिए, इतनी भीड़ लगी हुई है देखिए, ये सब उधर गाड़ी पे सब खीरा 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 खीरा, बस इधर देखिए सब लगे हुए हैं खीरा लेने के लिए। तो गुरु गाड़ी हो गया खाली और खाली करके निकल गया सुबह सुबह पाणिया मंडी है, बहुत दिन बहुत महीने बाद पाणिया मंडी आया हूँ, पता नहीं क्या महीने बाद कुछ लेके आया हूँ मुझे खुद ही नहीं याद है, एक दिन शायद खीरा वीरा कुछ लेके आया था और वो भी नींद में आया वापस चले गया, यहाँ भी नहीं बिका तो याद नहीं है। अरे सुबह सुबह यहाँ कौन पानी पूरी खाने लगा भाई, ये है गेट नंबर 2, यहाँ से निकलते हैं पहले फिर मिलते हैं आप सभी से। सुबह सुबह 6 बजे जो है पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है भैया बनारस के अंदर, देख रहे हैं ये पूरी लाइन जाम है, सुबह बनारस शाम बनारस जब देखो तब जाम बनारस, ये बात सही कही है जिसने भी कही है भैया, सुबह हो या शाम हो आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा, वाह शाबाश मुन्ना। अब आ गई है पिकअप, ये देखते हैं निकल पाती है कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, हालांकि निकल जानी चाहिए, निकल गई अम्मा चलो यार। फिलहाल तो मैं ट्रैफिक से निकल गया हूँ और ये ठेले वाले भाई एकदम धीरे धीरे निकल रहे हैं। बनारस का आपको एक बहुत ख़ास बात बताता हूँ जो मैंने महसूस किया है बड़े शहरों में रहने के बाद बनारस में, वो मैं ये महसूस किया हूँ कि ये शहर बड़ा शांत और स्लो है,
यहाँ कहाँ किसी को किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। यहाँ लोग 10-10, 20-20 मिनट, 25 मिनट ट्रैफिक में खड़े रहेंगे, एक दूसरे को घूरेंगे, ताड़ेंगे, बतियाने भी लगेंगे, बहनियाँ बतरिया भी करेंगे कि काहे जाम लगा लो गुरु। लेकिन यहाँ लोगों को जल्दी नहीं है और यहाँ के लोग बड़े आराम से, वो होता है ना कि दूसरी शहर मतलब दूसरे शहर बहुत तेज़ी से भागते हैं और ये शहर बहुत धीमा है। और इसकी यही खासियत है कि आप एक जगह पर ठहर जाते हो एक वक्त के लिए और सब थम सा जाता है। इस शहर में ऐसा है कि सब रुका हुआ है, कुछ नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल रही है एकदम। इसीलिए शायद काशी है, बनारस है, वाराणसी है, तो इसकी यही बात है। और आप एक बात बताते हैं, आप प्रयागराज चले जाइए, इतना फास्ट, लोगों को पता नहीं किस बात की जल्दी है। हर 10-10 मिनट में आपको सड़क पे 1-2-3 लड़ाइयाँ देखने मिल जाएंगी। अब है मारब, मतलब देखा नहीं बा तो है ढेर जल्दी है, मतलब आप सड़क पे चल रहे हैं प्रयागराज में और ये सारी चीज़ें आपको सुनने मिल जाएंगी। तो हर जगह का अपना मज़ा है, लेकिन बनारस का एक यही मज़ा है कि ये शहर जो है बड़ा स्लो है और इसकी यही खासियत है, दूसरी शहरों की तरह तेज़ नहीं भागना चाहता, एक जगह स्थिर है। चलिए यहाँ से चलते हैं और आगे मिलते हैं। ये राजघाट पुल और सामने ये रहा शहर मेरा बनारस। देख सकते हैं एकदम सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है, इस पर गाड़ी खड़ा नहीं कर सकता, नहीं तो उधर से लेता, बीच में पुल आ जाता है। पर फिर भी रात को भाई वैसी दृश्य मैंने नहीं दिखी देखा था। ऊपर चांद, पूरी लाइटें, भोर में मैं सोचा खड़े होकर फ़ोटो ले लूँ, पर जो है पार्टी वाला पहना किया हुआ था, दिमाग तो डिस्टर्ब वैसे ही कर दिया था कि कब आओगे कब आओगे। अब ट्रैफिक में फंस भी गया था मैं। हरौरा और फतेहपुर टोल पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, उसके बाद जो है नारायणपुर ट्रैफिक में फंस गया, फिर आगे टेंगरा मोड़ बाईपास में ट्रैफिक था, पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक। एक घंटा मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। मैं पहुँचा हूँ 3:40 पे फिर भी मंडी, और भाड़ा के लिए भी कचोदन किया है, अभी 500 रुपये कम दिया है, देखते हैं। वो बोला है कि आइएगा तो देंगे और जाएंगे तो हम तो लेंगे ही, छोड़ने वाले हैं नहीं। पहले अली सराफत छोड़ दिए हम कि कोई दे बोल देता था तो भूल जाते थे, रहने तो नहीं लेना है जाने तो दे देगा तो ठीक, लेकिन अब लेना है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए और पैसा आप किसी के पास छोड़ने वाले हैं नहीं। बात जो है देखिए साफ ठीक है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं रामनगर चौराहे पे, और इधर से आपको पता है लंका चले जाते हैं और रामनगर फोर्ट इधर से जाएंगे तो ये मुग़ल सराय डिहवा जाता है और बहुत जगह जाता है, मतलब जो मैं जानता था वो बता दिया। और इधर से रामनगर फोर्ट, इधर से सीधा आप हमारे घर के तरफ चले जाएंगे, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। हर जगह तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। कि रात का ट्रैफिक अभी तक नहीं ख़त्म हुआ, पूरा लगा हुआ है। और समझिए रात को मैं ऐसे रॉन्ग साइड से होके, वो भी ओवर ब्रिज नहीं, ओवर ब्रिज के नीचे से गया था ये ट्रैफिक पूरा। मैं अभी तो फिलहाल यहाँ अभी तो दिख रहा है पुल, जहाँ पे ये एंड होता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है ये पुल, वहाँ तक ट्रैफिक था। और उसके बाद जो है नारायणपुर में भी था, तो मेरे को लगता है कि मुझे नारायणपुर से भी बच के ही जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। एंड ट्रैफिक में भाई वैसे ही रात भर एकदम थका दिए ये लोग, पूरा बदन दर्द इतने दिन बाद। हाँ देखिए यहीं से रात को भी ट्रैफिक, यहीं से ट्रैफिक अभी भी है। चुप हो जा, क्या ही बोलूँ। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा। तो भाई देखो मैं आ गया था गाड़ी वाड़ी खाली करके घर पे कल ही, और आज जो है मैं अभी बज रहे दिन के 12, आया था ऐसे ही बनारस घूमने। और कहाँ पे आया हूँ, और हम भी जा रहे हैं अभी थोड़ा सा गाइस बाल अगर सेट करवाने के लिए, तो मीडियम भाई के पास आए हुए हैं। बाल वाल तो मेरा भी बढ़ गया भाई, कटवाना है बहुत बड़ा। भाई का बाल सही है अभी तो, फिलहाल ठीक है। मतलब अच्छा आप कंघी लगाते कि नहीं बाल? हम तो कंघी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाता आज तक। दाढ़ी वाड़ी बना के मस्त क्लीन करवा लिया हूं, बस इधर करिए कैमरा, हम नहीं दिख रहे हैं, मूर्ख दिख रहे हैं। इनको दाढ़ी वाड़ी बनवाना है भाई, और बहुत पतला हो गया, आप लोगों को पता है।
शादी से लेके ये सब एकदम हाँ, हो गया है। बंदा काफी मेहनत किया अपने। और जो लोग पूछते थे कि विडियम भाई कहाँ थे, आपकी बहन की शादी में नहीं आया, तो भैया ये बंगाल थे, अपने गाड़ी को काशी एक्सप्रेस बनवा रहे थे भाई। जिस दिन शादी था दीदी का उसी दिन हम रात को यहाँ पहुँचे। काफी अफसोस हो रहा था इसलिए नहीं आ पाए थे। बाकी चुंडी को बोले तो वो आया हुआ था, चुंडी आया था और काफी सारे फ्रेंड्स आए थे। अब यहाँ से अब घर चलेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से। भाई आ गए अपन इडली खाने, मैं और मीडियम भाई, ये रही मेरी इडली, उनका इडली और दाल वड़ा है। और एक चीज़ मैंने देखा, मुंबई में इतने साल रहने के बाद हम लोग प्लेन इडली खाते थे, वहाँ इडली फ्राई नहीं मिलती है, लेकिन बनारस में इडली को फ्राई करके देते हैं, तो यहाँ का इडली का अलग मज़ा है। ठीक है, तो पहले खाते हैं फिर मिलते हैं। तो भैया देखिए आ गए हम घर पर, और अभी बज गए हैं शाम के 6, और मैं भाड़ा बता देता हूँ पहले आपको दोनों। मैं गया था अनपरा का भाड़ा जो लगा था वो 5,000 रुपये लगा था, और जो अंबिकापुर से पहाड़ियाँ आया था लेके उसका भाड़ा जो लगा था वो 8,500 रुपये लगा था। भाड़ा वैसे था 9,000, लेकिन उसने 9,000 बोल के 8,500 ही दे दिया, तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना। तो बस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।